तो वो आरएसएस वाले भाग गए। अब वो परियोजना कहाँ है मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तो ये जो मुकदमों की धमकी, तो लगा के देखो ना मुकदमे और गिरफ्तार करके देखो, फिर बता देंगे तुम्हें। फिर पूरे जिले में निकलेगी, फिर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में निकलेगी यात्रा, और फिर पूरे देश में निकलेगी। एनएसए और गैंगस्टर की धारा कह रहे थे लगेगी। ये तो ये लगाओ के देखो तो सही, इनका यहाँ पर बैठना आराम कर देंगे कार्यालय में, ये भी हमें जानते नहीं है। दोस्तों नमस्कार, मैं न्यूज़ चौहान। अभी गुर्जर गोरे यात्रा का समापन हो चुका है। हमारे साथ में मुखिया गुर्जर जी हैं, उनसे जानेंगे आज उनको भी मैदान में आना पड़ा, क्या कारण रहे और क्या लगता है गुर्जर समाज क्या आने वाले समय में इसी तरीके से अपनी लड़ाई लड़ता रहेगा। नमस्कार जी। नमस्कार। 2007 के बाद गुर्जर समाज इतनी संख्या में सामने आया है, क्या लगता है आपको क्या कारण रहे होंगे? कल प्रशासन के द्वारा धमकी भी दी गई कि बड़ी बड़ी धाराएं आपके ऊपर लगा दी जाएंगी, कुछ बच्चे कह भी रहे कि हमारे घर नोटिस चिपका दिए हैं, क्या लगता है आपको? लगता ये है, इसलिए हमें आना पड़ा कि हमारी भावनाओं का कत्ल हुआ, यहाँ हमें अपमानित करने का काम हुआ। भाजपा की एक शाखा है संघ, और संघ की एक शाखा है परियोजना जातियों की। ये बेवकूफ बना करके वहाँ जातियों को जोड़ने का ये जाल फेंकते हैं। तो संघ ने ही यहाँ पर ये बीज बोया है, और जब प्रशासन ने, शासन के इशारे पर प्रशासन ने अनुमति नहीं दी पहले जब यात्रा निकल रही, तो वो आरएसएस वाले भाग गए। अब वो परियोजना कहाँ है मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। जब हम पे मुकदमे होंगे तो पहले उन जनसंघियों पे मुकदमे होंगे आरएसएस वालों पर, और इसलिए हमने फिर अनुमति मांगी कि हम अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कृपया आप हम संवैधानिक मर्यादा में रहकर कानून के दायरे में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे, और हमें किसी जाति से कोई लड़ाई नहीं है, कोई विरोध नहीं है हमारा। हमारा कोई विरोध कर लो हमें नहीं है। हम तो प्रशासन के खिलाफ इकट्ठे हुए हैं, और आज सम्राट गुर्जर प्रतिहार सम्राट मीर भोजी की स्मृति में गुर्जर गौरव यात्रा निकली और संपन्न हुई और शांतिपूर्ण तरीके से हुई। तो ये जो मुकदमों की धमकी, तो लगा के देखो ना मुकदमे और गिरफ्तार करके देखो, फिर बता देंगे तुम्हें। फिर पूरे जिले में निकलेगी, फिर पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में निकलेगी यात्रा, और फिर पूरे देश में निकलेगी। अतुल प्रधान जी को भी रास्ते में रोक रखा है। अब वो हमें नहीं पता वो किसको क्या कर रखा, वो तो देखो जिसके साथ है वो ठीक है, वो तो गुंडे कर ही रहे हैं। लेकिन हमने इतने कई कस्बे पड़े, किसी एक इंसान को, किसी को, नागरिक को, एक को भी हमने कोई दिक्कत दी हो तो बताओ। तो फिर ये हमें क्या चाहते, हमारा कोई सम्मान नहीं है? यहाँ के साधन संसाधनों पर हमारा कोई अधिकार नहीं है? इसलिए हम अपने समाज को आज जहाँ हिंदू गुर्जरों ने अपनी ताकत दिखाने का काम किया, उनसे ज़्यादा मुस्लिम गुर्जर थे आज हमारी यात्रा में, और ये बिरादरी एक है। मजहब के नाम पर हमें कोई नहीं बांट सकता। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूँ भाजपा शासन को कि इन मुसलमानों पर आप इसलिए दमन करते हो जिससे कि हिंदू खुश हो जाएं, तो मेरे इन मुसलमानों के ऊपर अगर किसी ने अत्याचार करने की कोशिश करी तो तुम्हारी कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी, ये ध्यान रख लेना। आज जो यात्रा निकली है, लगभग 12-13 किलोमीटर की यात्रा हुई है, लाखों लोग इसमें आए हुए हैं, आगे की क्या रणनीतियाँ रहेंगी? क्या गुर्जर समाज इसी तरीके से एकजुट रहेगा? समाज तो एकजुट है हमेशा। आगे ये होगा, अगर हमारे बच्चों को परेशान करने के लिए मुकदमे लगाए गए तो फिर पूरे जिले के अंदर यात्रा निकलेगी, फिर हम जेल इकट्ठे जाएंगे, फिर कई धाराओं में जाएंगे, ये है। अब एनएसए और गैंगस्टर की धारा कह रहे थे लगेगी। ये तो ये लगाओ के देखो तो सही, इनका यहाँ पर बैठना आराम कर देंगे कार्यालयों में, ये भी हमें जानते नहीं है। हमने तो साले अंग्रेजों को नहीं छोड़ा, इनकी तो औकात क्या,
इनका यहाँ पर काम करना दुश्वार हो जाएगा, जरा मजा आएगा जरा लगाओ तो सही। 2014 में और 2019 में गुर्जर समाज ने बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी को वोट किया, अब 2024 के चुनाव भी नजदीक है, क्या लगता है आपको? गुर्जरों को मिल तो गया, जलेबी मिल खा तो ली, लड्डू मिल गया भाजपा को जिता करके, और जिता लो। तुम्हारे राजस्थान में 72 बेटे इन्होंने मारे, तुम्हारा महापुरुष मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तिरपाल में लिपटा हुआ खड़ा हुआ भाजपा के शासन में है, और तुम्हारा यहाँ पर कितना अपमान हो रहा वो तुम देख रहे हो, दादरी में क्या हुआ, मुंह पे काली कुत्ती, यहाँ भी कल पन्नी डाली गई। फिर भी जो समाज बिना मांगे वोट देगा जिस पार्टी को, वो हमेशा बर्बाद है। शामली में गांव है ब्रह्मखेड़ा, वहाँ भी एक बोर्ड लगा गया पृथ्वीराज चौहान के नाम से, कल पुलिस आती है और बोर्ड के ऊपर पन्नी डालकर चली जाती है और गाँव वाले से कहती है इस बोर्ड को उखाड़ दो, क्या कहेंगे इसके बारे में आप? वो हम देखेंगे, पहले आज हम इससे निपट लें, उसका तो बाद में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।